हम दिल्ली के ओल्ड उस्मानपुर इलाके में मौजूद है और एनडीआरएफ की टीम हमारे साथ मौजूद है। दरअसल ये टीम निकली हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये जो ओल्ड उस्मानपुर का इलाका है, तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से पूरी तरीके से जल के जलमग्न हो चुका है, पानी के जद में आ चुका है और इसी वजह से तमाम लोग जो हैं वो यहाँ पर फंसे हुए हैं, जिनको निकालने की कवायद लगातार एनडीआरएफ की टीम की तरफ से की जा रही है। कल भी रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया और कल करीब 150 से ज्यादा लोगों को यहाँ से निकाला गया और आज फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एनडीआरएफ की टीम जो है वो निकली हुई है। तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे, जहां तक आपकी नजर जाएगी वहां तक पानी ही पानी दिखेगा। घर जो है, जो मकान है, वो पूरी तरीके से पानी में डूबे हुए हैं। ये तस्वीर देखिए, यहाँ पर जो मवेशी हैं उन्हें निकालने के लिए, अपने मवेशियों को निकालने के लिए ये तमाम लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कोशिश की कर रहे हैं कि मवेशियों को निकाला जा सके। तार भी है, काफी मुश्किल हो रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। आप देख सकते हैं ये पूछा जा रहा है, इनके एनडीआरएफ की टीम की तरफ से पूछा जा रहा है कि क्या आप लोग यहाँ से निकलेंगे, यहाँ से चलेंगे। कोशिश की जा रही है बच्चे को। आप पानी से डूब गया है आपका घर पूरा का पूरा, तो आप एनडीआरएफ की टीम की तरफ से देखिए, अब रेस्क्यू ऑपरेशन यहाँ पर करने की कवायद शुरू हो चुकी है। आपको दिखा रहे हैं तस्वीर, बच्चे को सबसे पहले बोट में बैठाया गया, अब जो महिलाएं हैं उनको बैठाया जाएगा और इन्हें यहां से ले जाया जाएगा। कल भी एनडीआरएफ की तरफ से लगातार कोशिशें कवायदें की गई, 150 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया गया। क्योंकि घर देख सकते हैं किस तरीके से पूरी तरीके से डूब चुका है और अब जो है इन्हें यहां से रेस्क्यू कर लिया गया है। सामने देखिए वो मवेशी को बचाने की कवायद जो है एक शख्स के द्वारा की जा रही है, क्योंकि निश्चित तौर पर जिस तरीके से जल का स्तर बढ़ा, आराम से चलने के लिए कहा जा रहा है, थोड़ी मुश्किलें जो है वो जरूर उस सामना करना पड़ रहा है एनडीआरएफ की टीम को। और देखिए किस तरीके से, निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कितनी मुश्किलें हो रही हैं। कोशिशें कवायदें जहां एक तरफ एनडीआरएफ की तरफ से किया जा रहा है कि जल्द से जल्द लोगों को रेस्क्यू किया जाए, वहीं दूसरी तरफ ये मवेशी जो हैं उन्हें सही से यहां से निकाल कर ये लोग ले जा सके। ये दिल्ली का ओल्ड उस्मानपुर का पूरा ये इलाका पूरी तरीके से जलमग्न, पूरी तरीके से यहां पर जो हालात हैं बेहाल हो चुके हैं। हालात को काबू करने की कवायद जो है वो एनडीआरएफ की टीम की तरफ से लोगों को रेस्क्यू करने की कवायद जो है वो लगातार की जा रही है। देखिए फिर एक बुजुर्ग को यहाँ से निकाला गया, बुजुर्ग को इस बोट में बैठाया गया और फिर एनडीआरएफ की टीम जो है वो आगे की तरफ अब चल रही है। क्योंकि ये पूरा जो इलाका है रिहायशी इलाका था, यहाँ पर लोग रहते हैं, सड़कें हैं, लेकिन आपको की नजर जहाँ तक जाएगी सड़क नहीं, सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखेगा। क्योंकि जिस तरीके से यमुना का जल स्तर बढ़ा, उसके बाद देखिए घर जो है, लोगों के ये घर हैं, आशियाने हैं, जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं, पानी की जद में आ चुके हैं। तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है क्या हालात है, हालात पूरी तरीके से बेहाल हैं, भयावह हैं। और देखिए वो शख्स हाथ जोड़ते हुए, क्योंकि इतना निश्चित तौर पर जिस तरीके से पानी भरा, लोगों के घर डूबे, उसके बाद लोग कितना परेशान है वो तस्वीरों में आप खुद ब खुद देख सकते हैं। घर पूरी तरीके से जलमग्न हो चुका है और अब लोगों का यही कहना है कि उनका नुकसान भी हुआ है। जाहिर तौर पर जिस तरीके से लोगों ने तिनका जोड़कर अपना आसियाना बनाया था, एक तरीके से कहा जा सकता है जिस तरीके से आशियाना जो है वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया। कुछ लोग यहाँ पर निश्चित तौर पर काम करते थे, उनका व्यवसाय था, वो भी पूरी तरीके से तबाह होते हुए दिख रहा है। तो जाहिर तौर पर इसी वजह से लोग जो हैं वो परेशान हैं, बेहाल हैं।